गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज से हम मेडिकल की नई सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चैनल का नाम है फैमिली डॉक्टर। ये चैनल उन लोगों के लिए जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है, लेकिन जो साथ साथ जो मेडिकल की जिनको जानकारी नहीं, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी डेली लाइफ में होनी चाहिए उनके लिए भी है। आज से हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जनरल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे किसी को पेट दर्द हो गया तो ये लेना है, किसी को खांसी जुकाम पेट में जलन पेट दर्द पेट में मरोड़े पेट दर्द, अगर आपको पेशाब में जलन यूरिन प्रॉब्लम, आपको श्वास लेने प्रॉब्लम है, आपके सिर में दर्द, आपको आई ड्रॉप, मतलब इनके बारे में हम स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी गोली, जैसे पैरासिटामोल है, जैसे सिफिक्सिम है, जैसे डोमपेरिडोन ओमेप्राजोल है, तो इनके बारे में भी हम स्पेसिफिक साल्ट के बारे में भी हम स्पेसिफिक वीडियो स्टार्ट करेंगे वो। पर अभी हमारी 3-4 सीरीज जनरल सीरीज होंगी, उसके बाद हम हर स्पेसिफिक के बारे में वीडियो अपलोड करते रहेंगे डेली। तो आज का हमारा वीडियो है फर्स्ट एड किट एंड फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें फर्स्ट एड किट में 10 से 15 चीजें रखी जाती हैं। मान लो कभी आप गांव में हो, लेट नाइट में हो, कोई डॉक्टर केमिस्ट अवेलेबल नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो फर्स्ट एड किट में वो रख सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में गोवा वगैरह घूमने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या किट में रखना है, क्योंकि डॉक्टर तो रहेंगे नहीं, तो आपको एंड टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस बॉक्स में 10 से 15 चीजें जो मैं आपको आज बताऊंगा वो रखनी है। मैं आपको इन दवाइयों के नाम बताऊंगा, ये किस ब्रांड से ली गई है ये बताऊंगा, इसकी क्या प्राइस है मार्केट में ये बताऊंगा, ये कौन कौन से साल्ट से ये बताऊंगा और इसके यूज बताऊंगा। सबसे पहला है जो कॉमन समस्या है आज की, पेट दर्द। पेट दर्द के लिए आप मेफ्टाल इस्पात ले सकते हैं। मेफ्टाल इस्पात, ये मासिक धर्म के समय होने वाले पेट दर्द, एब्डोमिनल क्राम्प्स और पेट में मरोड़े, इनमें काम आता है। 3 रुपए 60 पैसे की एक टैबलेट है। इस टैबलेट में मेफिनामिक इस्पात और डाइसाइक्लोमिन, इसके दो कॉम्बिनेशन है। इसके मेफ्टाल इस्पात के कॉम्बिनेशन डाइसाइक्लोमिन प्लस मेफिनामिक इस्पात, 3 रुपए 60 पैसे एक टैबलेट है, ये लेनी है आपको। अब दूसरा आ गया, किसी के खांसी प्लस सर्दी जुकाम हो, तो खांसी प्लस सर्दी जुकाम में आपको टॉक्स टैबलेट लेनी है। ये एफडीसी कंपनी की टैबलेट है। इस टॉक्स टैबलेट में आपके एम्ब्रोक्सोल, ग्वाविफेंसिन, पैरासिटामोल और फिनाइलएफ्रिन, इसमें साल्ट है। ये आपको एंटी कोल्ड टैबलेट है और ये एंटी कफ टैबलेट है, ये आपको खांसी और कफ में रिलीव करेगा। यदि आपको सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम में आप जैसे अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं तो सर्दी जुकाम होना आम बात है, तो 6 रुपए की एक टैबलेट आती है, मैनकाइंड फार्मा कंपनी की टैबलेट है, नोबेल कोल्ड नाम से टैबलेट है। इसमें आपको पैरासिटामोल, निमेसुलाइड प्लस कैफीन प्लस फिनाइलएफ्रिन प्लस सिट्रिजिन, इसमें इसके साल्ट है। तो नोबेल कोल्ड नाम से आपको टैबलेट लेनी है सर्दी जुकाम हो जाए तो। उसके बाद खांसी प्लस सर्दी जुकाम में मैंने आपको टॉक्स टैबलेट बताई, इसके साथ अगर टॉक्स अवेलेबल नहीं हो तो आप बेटनेसोल टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के साल्ट सेम है। एम्ब्रोक्सोल वही एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेंसिन, पैरासिटामोल प्लस फेनेलेफ्रिन। अगर आपका पेट खराब हो गया, आपको लूज मोशन, दस्त हो गए, तो आप एंट्रोक्विनोल टैबलेट ले सकते हैं। ये हाइड्रोक्सीक्विनोल टैबलेट की ग्रुप की दवा है। 1 रुपए 50 पैसे की एक टैबलेट आती है, 15 रुपए की आपको 10 टैबलेट मिल जाएगी। ये एंट्रोक्विनोल, ये किसी को अमीबा से इन्फेक्शन हो गया, फंगल से इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, तो ये अमीबा, फंगल या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को दूर करती है। ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी की टैबलेट है। उसके बाद अगर आपको गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे हो गई, तो आप ऐसी लोक टैबलेट 300 mg ले सकते हैं, 1 रुपए 50 पैसे की एक टैबलेट आएगी। ये ऐसी लोक टैबलेट एसिडिटी में लेनी है, एक टैबलेट खाली पेट लेनी है। ऐसी लोक टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो डोमपेरिडोन प्लस ओमेप्राजोल है। ये हमारा खाना, हम खाना खाते हैं, क्या होता है हमारे पेट में, खाना खाते हैं, हमारा खाना हमारे पेट में जाता है, स्टोमक आमाशय में जाता है,
तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना तो नीचे सर्कुलेट 2-3 घंटे तो हमारे आमाशय में स्टोर होता है, वहां पर एंजाइम के द्वारा वो खाने को पचाया जाता है। उसके बाद वो खाना आगे छोटी आंत बड़ी आंत में बढ़ता है। मैं आपको ओनली हिंदी वीडियो जी उपलब्ध करा रहा हूँ, कोई इंग्लिश इशू नहीं है। तो आपका खाना आगे बढ़ रहा है छोटी आंत, लेकिन खट्टी डकार गैस एसिडिटी में क्या होता है, खाना ऊपर ईसोफेगस की तरफ जाता है। तो खाना तो आगे, तो हमने ऐसी लोग टेबलेट बता रहे हैं हम, डोमपेरिडोन प्लस ओमेप्राजोल टेबलेट है, एंटी रिफ्लेक्स मेडिसिन है। मतलब खाना आगे रिफ्लेक्स हो रहा है तो ये एंटी रिफ्लेक्स करेगी, तो खाने को एंटी रिफ्लेक्स टेबलेट, तो ये खाना ऊपर जा रहा है तो उसको रोकेगी, जिससे हमारी एसिडिटी खट्टी डकार ये कम हो जाएगी। ऐसी लोग टेबलेट डोमपेरिडोन प्लस ओमेप्राजोल साल्ट की है, ये टेबलेट आपको लेनी है 1.5 रुपए, 1.50 रुपए की एक टेबलेट आती है, या आपको एक टेबलेट खाली पेट लेनी है। इसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं बुखार हो गया, सिर में दर्द हो गया हो, तो आप नाइसेट टेबलेट लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन निमेसुलाइड प्लस पैरासिटामोल, ये 2.20 रुपए एक टेबलेट आती है, 10 टेबलेट 20 रुपए की है, ये टेबलेट ले सकते हैं नाइसेट टेबलेट। अगर नाइसेट वैसे तो अवेलेबल होगी, अगर अवेलेबल नहीं हो आपकी किसी केमिस्ट गांव में किस शॉप पर, तो आप डोलोकाइंड प्लस टेबलेट ले सकते हैं। डोलोकाइंड प्लस टेबलेट, ये दोनों में वही साल्ट निमेसुलाइड प्लस पैरासिटामोल है। अगर आपको कहीं उल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, तो जी घबरा रहा है आपका, जो ट्रेवल में होना आम बात है, तो आप एनसेट टेबलेट ले सकते हैं, 4.50 रुपए की एक टेबलेट आती है। तो आप एनसेट टेबलेट में ओंडांसेट्रोन प्लस ओमेप्राजोल इसका कॉम्बिनेशन है। ये हमारा क्या होता है, खाना खाते हैं हम, कई बार खाना ऊपर आ जाता है तो हमें उल्टी होती है, तो उल्टी को बोलते हैं हम इंग्लिश में नोजिया, और एमएटी बोलते हैं। तो ये जो ओंडांसेट्रोन प्लस ओमेप्राजोल इसका साल्ट है, वो एंटी एमेटिक मेडिसिन है जो उल्टी को रोकता है। एनसेट टैबलेट है, 3.60 रुपए की एक टैबलेट है, ये आपको लेनी है। इसके बाद मैंने आपको सब बता दिया। अब इसके बाद अगर आपको कहीं एलर्जी हो, किसी मधुमक्खी ने कहीं काट लिया हो, क्या होता है दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी एलर्जी होती है, तो कहीं इससे एलर्जी, तो आप सिट्रिजिन टैबलेट ले सकते हैं। सिट्रिजिन 500 mg टैबलेट है, ये आप एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये आप ले सकते हैं। इसके साथ कहीं आपको घाव हो गया हो, तो आप पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट हाइड्रोक्स या फिर हाइड्रोक्सी परोक्साइड का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, घाव हो गया हो, कहीं फोड़े फुंसी हो गई तो। लेकिन अगर कहीं आपके कहीं चोट में दर्द, कहीं आप सिड्डी फिसल के गिर गए हैं, कहीं आपके कमर में दर्द हो गया हो, तो आप वोलिनी क्रीम लगा सकते हैं। इसके साथ कहीं आपकी फोड़े फुंसी हो गई हो, सबसे पहले उस फोड़े फुंसी को कम्प्लीटली आप साफ करें, उसके बाद कॉटन में डिटोल लगा के उसको अच्छी तरह साफ करें। उसके बाद 2 इंच का 4 इंच का 6 इंच का बैंडेज पट्टी आता है, वो भी अपनी फर्स्ट एड किट बॉक्स में रखें, तो बैंडेज पट्टी को लगाएं। उसके बाद आप रुई का कॉटन लगा दें, फिर उसको बैंडेज पट्टी से बांध दें, तो फिर आपके फर्स्ट एड किट में ये जो मैंने आपको गोलियां बताई थी 8 से 10 गोलियां वो रखनी है। उसके बाद आपको बैंडेज पट्टी, कॉटन बैंडेज पट्टी और डिटोल, ये भी आपको इसके साथ रखना है। इसके साथ एक दवाई और रह गई है, अगर आपके कहीं गले में खराश हो, क्योंकि ठंडा पानी पीने से, आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहां ठंडा पानी पीने से गले में प्रॉब्लम होती है, गले में खराश के लिए आप ये आपकी सोर थ्रोट यानी गले में खारेपन को रिलीज करेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी करके नमक का करारा भी कर सकते हैं, या आप ऑरेंज फ्लेवर में स्ट्रेप्सिल्स टेबलेट आती है वो भी ले सकते हैं आप। आज हमने फर्स्ट एड किट के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है, आपको हमने 10 टैबलेट बताई हैं और कॉटन बैंडेज पट्टी डिटोलिंग के बारे में बताया है। इन टैबलेट और इन एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे पोविडिन ऑइंटमेंट, इनको आप अपने साथ रखें, और ऐसे आपको एक गोली से खांसी प्लस सर्दी जुकाम की गोली है तो उसको टॉक्स टैबलेट मैंने आपको बताई, तो उसकी आपको 10 गोली कम से कम रखनी है, और उनको आप अपने फर्स्ट एड किट बॉक्स में रख दें, और उसमें ऊपर एक पेज में लिख दें, दो कॉलम बना लें, एक टैबलेट में लिख दें किस यूज में काम आती है खांसी पे सर्दी जुकाम में, और उसके आगे उस गोली का नाम लिख दें, ताकि आप कभी लें तो फिर वो गोली ले सकते हैं, इसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप कहीं पर जाएं तो उस बॉक्स को अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको ये नॉर्मल समस्याओं से प्रॉब्लम निजात मिलेगा। आपको कैसी लगी वीडियो ये मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो से पहले आप वीडियो अच्छी तरह देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो ही इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और
मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो आपके डेली लाइफ में कहीं भी ना कहीं काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।